अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर फातिमा बतूल। अभी क्योंकि हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और तकरीबन एक महीना रह गया है पेपर्स में, तो सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि टॉपिक को डाइसेक्ट कैसे करना है, या ये बता दें कि कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो इसलिए मैंने ये सेशन रखा कि हम थोड़ा सा उन मॉक पेपर्स को डिस्कस कर लें जो कि मैं आजकल कंडक्ट कर रही हूँ, और एक एग्जाम्स का ओवरव्यू ले लें कि हम कैसे टॉपिक्स एक्सपेक्ट करें। क्योंकि मैं पेपर्स चेक कर रही होती हूँ और एक चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम एक खास टॉपिक तैयार करके जाते हैं, एक खास हमने एरिया तैयार किया होता है, और जब हम पेपर में जाते हैं उस एरिया पे या तो सवाल नहीं होता, या फिर उस एरिया में से एक ऐसी डायमेंशन पे सवाल होता है जो शायद हमने उतनी अच्छी तरह तैयार नहीं की थी। जैसे मैंने टॉपिक दिया हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज। अब एजुकेशन तो हर शख्स तैयार करता है, लेकिन क्या आपने उसमें हायर एजुकेशन पे फोकस किया था? अगर आपको नहीं पता कि हायर एजुकेशन क्या है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर ऐसे लिख लेंगे? अब मैंने जितने ऐसे हायर एजुकेशन के ऊपर चेक किए, वो तकरीबन सारे मैंने फेल किए, और वजह ये नहीं थी कि मेरे स्टैंडर्ड्स कोई बहुत हाई हैं, या मैं सोच रही होती हूँ कि स्टूडेंट को शायद किसी बहुत जबरदस्त किस्म के तरीके से लिखना चाहिए, या पता नहीं कितने रेफरेंस या स्टैटिस्टिक्स देनी चाहिए। नहीं, वजह किसी के नंबर कटने की ये होती है कि उसको पता ही ना हो कि वो किस चीज के बारे में बात कर। जैसे हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप मुझे टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो वो सेंस नहीं बनाएगी। हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप मुझे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करेंगे, या आप मुझे ड्रॉप आउट रेशो की बात करेंगे, तो वो सेंस नहीं बनाएगी, क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर वो फॉलो ही नहीं करते। तो आपने एजुकेशन का ऐसे प्रिपेयर किया, लेकिन एग्जाम में जो टॉपिक आया वो हायर एजुकेशन था, आपने एजुकेशन वाले आइडियाज को ट्विस्ट किया, आपने ये इंप्रेशन क्रिएट किया जैसे आपको पता हो कि हायर एजुकेशन क्या है, और आपने हर आर्ग्यूमेंट को उठा के जनरलाइज फॉर्म में हायर एजुकेशन के साथ लिंक कर दिया। अब आपको तो इस चीज का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि इस लेवल तक जब आप आते हैं, आपके पेपर एक खास तरीके से चेक होते हैं और आपका एक परसेप्शन बन जाता है पेपर्स के बारे में, इवन टीचर्स के बारे में। लेकिन जैसे एक उस्ताद कमरे में आए और उसको अपने मजमून के बारे में ना पता हो, और वो आपको पढ़ाना शुरू करे, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, अगर मैं आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ाना शुरू करूँ, तो क्या ख्याल है आपको कितनी देर लगेगी ये पता चलने में कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इस पर कमांड नहीं है? शायद 5 मिनट। अगर मैं बहुत अच्छी बातें कर लेती हूँ, ऑडियंस को कैप्चर कर सकती हूँ, मेरा स्टाइल अच्छा है, तो शायद 10 मिनट। बट इवेंचुअली यू वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव नो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। द सेम इज ट्रू फॉर योर पेपर। तो आप अच्छे तरीके से, अच्छी राइटिंग के साथ, रेफरेंस दे के, नीला काला पेन इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं अगर वो उस मौजू के बारे में नहीं है जो कि आपसे पूछा गया है, तो आपको लिखने का फायदा नहीं होगा। तो इससे पहले कि ये आप ये समझें कि टॉपिक को डाइसेक्ट कैसे करना है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो टॉपिक आप डाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको वो आता है? और ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई टॉपिक क्योंकि बहुत अच्छी तरह तैयार किया था, तो आपकी जजमेंट क्लाउडेड हो गई है, एंड नाउ यू थिंक कि समहाउ मैं इसी को एडजस्ट करके, फिट करके एक ऐसे तैयार कर दूं। तो ये फर्क करना बहुत जरूरी है जब आप टॉपिक सेलेक्ट करें, कि कौन से एरियाज आपको आते हैं और कौन से आपको नहीं आते। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पेपर में आपको 8-10 टॉपिक्स आते हैं। अब स्टूडेंट ये सोचता है कि मिस 10 टॉपिक्स तो आएंगे, तो मुझे ऐसे कोई 4 टॉपिक्स बता दें जो मैं तैयार करूं, पेपर में जाके बैठूं और मेरा पेपर हो जाए। आपको किसने कहा कि अगर पेपर में 10 टॉपिक्स आते हैं तो वो 10 के 10 अटेम्प्ट करने वाले होते हैं? अटेम्प्ट तो नहीं हो सकते सारे टॉपिक्स। जैसे मैंने अभी एक टॉपिक दिया, इस दफा मॉक में मेरे पास है, अच्छा अब देखिए टॉपिक जो दिया गया है वो बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक गलत है, लेकिन टॉपिक किसी डायमेंशन में, किसी खास डायरेक्शन में जाके नहीं पहुंचेगा। जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज ग्रे जोन, अब ग्रे जोन है क्योंकि कोई बहुत हमारे पास हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है, या कोई उसकी कोई लाइन नहीं है कि हम कहें कि ये मेरा एलाय है तो ये मेरे साथ ही रहेगा, ये जोन बन गया अब इसमें चेंज नहीं हो सकती, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो ये ऐसे ही रहेगा, या अगर चाइना और इंडिया के दरमियान में टसल है तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगी,
ऐसा नहीं होता, इट्स अ ग्रे जोन, इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और इतना डेफिनेट नहीं होता। अब आप देखें कि हम समझते हैं कि ग्रे जोन क्या है, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी समझ रहे होते हैं, हमें समझ आ रही होती है कि ब्लॉक्स कैसे टूट रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, रीइंफोर्स हो रहे हैं, बट इट्स इट पॉसिबल टू राइट अ एटलीस्ट यू नो 2000 वर्ड्स लॉन्ग एस्से ऑन इट, और वो भी तब जबकि हमें ये पता हो कि एंड क्या निकलेगा। एंड कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आप सोल्यूशंस भी नहीं दे सकेंगे, सोल्यूशन तो तब बनेंगे ना जब कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप एक एक्सपोजिटरी एस्से कर रहे हैं, एक्सपोजिटरी से मुराद होती है वो एस्से जिसमें आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सपोजिशन जो है वो हर एस्से का हिस्सा होती है, लेकिन जब आपके एस्से के अंदर कोई सोल्यूशंस ना निकलने हो, किसी चीज की वे फॉरवर्ड ना निकलनी हो, तो उसको लिखने का जो मार्जिन होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर आपके पेपर में 10 टॉपिक्स हैं तो क्या आप वो 10 के 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं। उनमें से 3-4 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो इतने नैरो होंगे कि जब आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे आपको महसूस होगा कि इसके अंदर तो आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए। जैसे मैंने ये एक टॉपिक दिया, द स्टेज इज बीइंग सेट फॉर अ 3rd World War। अब देखिए, जो भी शख्स पेपर सेट करता है, क्योंकि वो इंग्लिश का पेपर है, उसके अंदर कुछ लैंग्वेज की ट्रिक्स होती है। लैंग्वेज की ट्रिक क्या है? अगर मैं आपको कहती द स्टेज इज सेट फॉर अ 3rd World War, तो ये तो मैं इनडेफिनेट टेंस की आपको बात कर रही थी, तो इसकी सेंस कुछ और थी। हम एक इसको क्या कहना चाहिए, एक इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन एक कंडीशन की सेंस में, एक स्टेट की सेंस में हम इसको ले जाते हैं। लेकिन जब आपसे कहा गया द स्टेज इज बीइंग सेट, इज बीइंग सेट, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, अब इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी एक्शन की, हम बात कर रहे हैं उस काम की जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, कुछ अरसे में वो चल रहा है, थोड़ी देर तक चलेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी एक्शन। तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन सी चीजें हैं जो कि रिसेंटली शुरू हुई हैं, कॉन्टिन्यू हुई हैं। वो कश्मीर इशू नहीं है, वो पैलेस्टाइन इशू नहीं है, अच्छा वो पाकिस्तान इंडिया की टसल नहीं है। अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, कुछ लोगों ने अरब स्प्रिंग की बात की, ये सारी बातें नहीं है। जिस पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा है इज बीइंग सेट, वो है रशिया यूक्रेन की टसल, जिसके पर्सपेक्टिव में आप बात करेंगे, फिर आप बेशक ले जाएं कि चाइना किसका साथ देगा, अमेरिका किसका साथ देगा, फिर आप बेशक बात करें कि इंडिया किस ब्लॉक में फॉल करता है, पाकिस्तान किस में फॉल करता है, ईरान क्या करेगा, सऊदी अरेबिया क्या करेगा, पैलेस्टाइन क्या करेगा, इसराइल क्या करेगा, लेकिन आपका टॉपिक जो है उसकी एक लिमिट डिफाइन हो गई, इज बीइंग सेट। तो टॉपिक आपके सामने 10 आए, इसका मतलब ये नहीं कि हर टॉपिक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर टॉपिक के अंदर इतना मार्जिन है कि आप उसे 2000 वर्ड्स का लिख सकें। मेरा मकसद कतन ये कभी भी नहीं रहा और आज भी नहीं है कि स्टूडेंट्स को डरा दिया जाए कि भाई ऐसे का पेपर बहुत मुश्किल है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप इस चीज को समझ सकें कि जब आप पेपर में बैठे हैं तो आप टॉपिक को देख के एक वाइज चॉइस बनाएं, वो चॉइस करें जिसके ऊपर इवेंचुअली आप एक ऐसा एस्से लिखें जो कि पास हो जाए। यानी एस्से तो हर बंदा लिखाएगा, पास कितने लोगों का होगा वो हमें अपने जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और यही बात, इसमें एक आखिरी पॉइंट ऐड करूंगी, मैंने मॉक पेपर में एक टॉपिक दिया जो कि था सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ग्रीवेंसेज ऑफ बलूचिस्तान। जब मैं ये टॉपिक दे रही थी तो मेरे जहन में लास्ट ईयर का CSS का टॉपिक था ब्यूरोक्रेटिक डोल्ड्रम्स, मेरे जहन में टॉपिक था इन दिस कंट्री रीजन डस नॉट अप्लाई टू एनीथिंग। अब बहुत दफा वो चीजें जो कि हमारे मुआशरे में चल रही होती हैं, हो सकता है कि वो हमारा सोचने का एक नुक्ता नजर हो, ये भी मुमकिन है कि हम जो चीज मुआशरे में देख रहे हैं वो सच हो, लेकिन जब हम एस्से में आते हैं, चाहे नुक्ता नजर हो चाहे हकाइक हो, जब हम एस्से लिखते हैं और एक इम्तहान के लिए लिखते हैं तो वो बहुत कुछ चेक कर रहा होता है। वो ये भी देखता है कि हमारे आइडियाज कैसे हैं, वो ये भी देखता है कि हमारा लिखने का अंदाज कैसा है। जैसे बहुत सारे लोगों की टोन जो होती है ना कि अगर पाकिस्तान इतने अरसे में ये नहीं कर सका तो पाकिस्तान अब क्या कर लेगा, ये टोन है, ठीक है। अच्छा, आपकी बात करने का अंदाज, आपके ख्यालात, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और मैटर करती है और वो ये है कि आप मुल्क के मसाइल को कैसे देखते हैं। जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान हैज फेल्ड, एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड टू डू दिस,
the democratic governments have failed to bring change. अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप एक बहुत एब्सोल्यूट बात कर रहे हैं इन योर नैरेटिव और योर चॉइस ऑफ वर्ड शोज दैट यू हैव नो फेथ इन पाकिस्तान. इसी तरह से अगर आप करेंगे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस ऑफ पाकिस्तान ऑफ बलूचिस्तान, तो मसला ये है कि उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को एडमिट करना पड़ेगा जो कि स्टेट लेवल पे कॉन्ट्रोवर्शियल होंगे. आपको उन चीज़ों को एडमिट करना पड़ेगा जो शायद हमारी कॉमन नॉलेज के अंदर तो है, हमारी जनरल नॉलेज के अंदर तो है, लेकिन उनको हम साबित नहीं कर सकते. और कहीं ना कहीं आपका ऐसे जो है वो रियासत के खिलाफ जाएगा. जब ये रियासत के खिलाफ जाएगा और आप सोल्यूशन देंगे तो फिर इस ऐसे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. तो ये टॉपिक ऐसा था जो कि उन टॉपिक्स में से था जिसे आप पिक करेंगे तो बहुत मुश्किल है आपका पास होना. ब्यूरोक्रेटिक डोल्ड्रम्स. अब देखिए, पेपर आप ब्यूरोक्रेसी का दे रहे हैं और आपसे वही इदारा पूछ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के मसाइल क्या है. आप वो बताएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सारा कुछ बता के आपका इससे पहुंचेगा कहाँ. सो बहुत सारे मसाइल हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या अगर हम जाके उनकी बहस में पड़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम उस चीज को बहुत एक्स्ट्रा क्रिटिकली देख रहे हैं, और जो एक हमारा एक सिनिकल सा एक एटीट्यूड है वो एक्सपोज हो जाता है. तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहीं सिनिक ना हो जाए. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं आप एंटी स्टेट तो नहीं हो गए, पेसिमिस्टिक तो नहीं हो गए. तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो बेहतरी आ जाएगी. तो टॉपिक पिक करते हुए देख लें कि एंटी स्टेट ना हो, किसी आपका जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ ना हो, कहीं पे कंटेम्प्ट फॉर स्टेट को या उसकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को शो ना करता हो. ठीक है, सो ये तो एक बुनियादी चीज हो गई. अब आ जाते हैं हमारी गुफ्तगू के दूसरे पहलू की तरफ, जो कि है कि टॉपिक को डाइसेक्ट कैसे करें. देखिए, जब हम टॉपिक को डाइसेक्ट करते हैं और हमारे सामने टॉपिक की स्टेटमेंट होती है, एसे की स्टेटमेंट होती है, तो उसके अंदर आप देखें कि लफ्ज कौन से इस्तेमाल हुए. जैसे टॉपिक है US withdrawal from Afghanistan, issues and challenges for Pakistan. अब आप देखें कि इसके अंदर एक बुनियादी चीज है. सबसे पहली जो आपका की आइडिया है वो है US withdrawal from Afghanistan. तो ये तो एक बुनियादी चीज है, ये आपके एसे का 10-20% है. अब अगर इसमें आप मुझे तारीख में ले जाएंगे, आप पहले मुझे कोल्ड वॉर बताएंगे, फिर आप मुझे 9/11 बताएंगे, बल्कि मुजाहिदीन से तालिबान तक का सफर समझाएंगे, फिर आप मुझे बताएंगे कि भाई किस तरह से 9/11 हो गया और उसके बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुई और सारी फेज बता के फिर आप मुझे कहेंगे कि अमेरिका जो है वो जल्दी से चला गया और बहुत ह्यूमिलेट हो गया और ब्ला ब्ला ब्ला. अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये आपके एसे का मेन आइडिया तो जरूर है, लेकिन आपके एसे में जो पूछी गई हैं चीजें वो है इश्यूज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान. तो आपके एसे के जो दो मेन सेक्शन है, एक है इश्यूज फॉर पाकिस्तान, दूसरा है चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान. अब क्योंकि आपको US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है, तो आप एकदम से एक्साइटेड हो गए कि मुझे तो टॉपिक आता है. टॉपिक आपको आता है, लेकिन पेपर में सोचना क्या है? क्यों एग्जामिनर आपको कहता है क्रिटिकल थिंकिंग? क्योंकि आपके पास बहुत सारा डाटा, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं. पेपर में आपका काम यह है कि आप उन आइडियाज को एक तरतीब दें. वो तरतीब क्या है? इश्यूज अलहदा करें, चैलेंजेस अलहदा करें. अब इश्यूज क्या होते हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं? इश्यूज वो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है. तो वो प्रॉब्लम ड्रग की हो सकती है कि हम देखते हैं कि जी ड्रग जो है, स्मगलिंग जो है वो बढ़ेगी, उसके अंदर ड्रग्स भी शामिल है. लेकिन जब हम इस इशू को सॉल्व करने जाएंगे तो चैलेंज क्या है? वो आपका रिफ्यूजी क्राइसिस भी हो सकता है, वो आपकी फेंसिंग भी है. अच्छा, आप फेंसिंग की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम है कि आप फेंस बनाएंगे तो आपको पता है आपके सामने है कि अभी क्या चल रहा है और किस तरह से अफगान गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है. सो इश्यूज वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी मसले की वजह से पैदा हो रही हैं, और चैलेंजेस वो प्रॉब्लम्स हैं जो उस मसले को हल करने के रास्ते में. तो इश्यूज एंड चैलेंजेस को उस अफगान क्वैगमायर के साथ रिलेट करना और फिर उसको तरतीब देना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे इसी चीज का नाम. तो सेक्शन अगर आपके ठीक होंगे, आपका ऐसे ठीक हो जाएगा. आप इशू का सेक्शन अलहदा बनाएंगे, चैलेंज का सेक्शन अलहदा बनाएंगे, और फिर आप अपने पेपर को लेके चलेंगे. अच्छा, इसी तरह से एक टॉपिक आया, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस.
अब क्योंकि हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, हमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है, काफी सारे मसाइल चल रहे हैं, तो हमारे जहन में है कि भाई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टॉपिक में आया वो है इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस। अब बच्चा इसमें अटेंड करते हुए इनटॉलरेंस क्या होती है या टॉलरेंस क्या है, जो आपके मेरे दरमियान में है, जो दो ग्रुप्स के दरमियान में हो सकती है। वो ग्रुप्स जो हैं वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला ग्रुप हो सकता है, वो दो धड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में भी इनटॉलरेंस लाना शुरू कर देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। इस तरह से तो फिर हर चीज ही इनटॉलरेंस होगी। आप ये भी कहेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो इनटॉलरेंस की वजह से है, आप ये भी कहेंगे कि टेररिज्म जो है वो इनटॉलरेंस की वजह से, फिर हर चीज इनटॉलरेंस बन जाएगी। नहीं, इनटॉलरेंस वो है जो हमें सोशल लेवल पे नजर आती है लोगों के दरमियान में। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में बात करेंगे तो वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वो इंटॉलरेंस नहीं है। अब आपका डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक डिक्लाइन है, उसके पीछे वजह है इंटॉलरेंस। वो इंटॉलरेंस जो है वो है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक सॉरी सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। सिस्टम में कैसे? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हम एक कम्युनिटी को दूसरी से अलग नहीं कर सकते। लोग जो हैं वो बहुत घुल मिल गए हैं, डिफ्यूजन हो गई है, मल्टी एथनिक पोली रेशियल हमारे पास मुआशरे पाए जाते हैं। तो इस मल्टी एथनिक पोली रेशियल सोसाइटी के अंदर अगर हम लोगों को टॉलरेट नहीं करेंगे तो वो कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब वो कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएगा, इनटॉलरेंट प्रैक्टिसेस की तरफ जाएगा, हेट स्पीच की तरफ जाएगा, हेट क्राइम की तरफ जाएगा। तो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन के पीछे पार्टीज का टसल यहाँ पे नहीं है। ये वो इंसिडेंट है जो हम देखते हैं कि सियालकोट में हो गया। तो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन सोशल लेवल के ऊपर है, ना कि पॉलिटिकल लेवल पे। टॉपिक को समझना और फिर उसके सेक्शंस बनाने बहुत जरूरी है। सो आप डेमोक्रेटिक डिक्लाइन को बताएंगे कि किस सेंस में बात करें कि, और फिर आप ये बताएंगे कि इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस कैसे। अच्छा, इसी तरह से न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज फॉर आर्टिकुलेटिंग एंटी इस्लामिक एंटी मुस्लिम ओपिनियंस। अब आप देखें कि बाज़ुका तो कीवर्ड सामने दे दिया जाता है, जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे कि यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, इसी तरह से आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर कह दिया। अब यहाँ पे जब लफ्ज आया न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, तो हम बात कर रहे हैं आपके आईसीटी की। आईसीटी की जब भी बात होती है तो आप देखें सोशल मीडिया आ जाता है, सोशल मीडिया के तहत हम कम्युनिकेट करते हैं। अब वो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो ट्विटर के ऊपर भी है, वो यूट्यूब के ऊपर भी है, उसके अंदर आपका फेसबुक भी आ जाता है, आपका इंस्टाग्राम भी आ जाता है। तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन की साइट पे था, इंफॉर्मेशन में आपके ये आपके न्यूज जो वेबसाइट्स हैं वो आ जाएंगी, आपके ब्लॉग्स आ जाएंगे। तो हम इनको इनको यूज किया जा रहा है आर्टिक्यूलेटिंग एंटी इस्लामिक एंटी मुस्लिम ओपिनियन। तो वो जो एंटी इस्लामिक एंटी मुस्लिम ओपिनियन है उसके पीछे इस्लामोफोबिया जरूर है, लेकिन जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो आप एंटी इस्लामिक एंटी मुस्लिम की बात करेंगे, ना कि इस्लामोफोबिया की। हाँ, आप उसकी वजह बताएंगे, व्हाई दिस इज हैपनिंग, द रीजन इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से हमें इस्लामोफोबिया नजर आता है। लेकिन टॉपिक उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अलबत्ता इसमें मार्जिन बहुत था लिखने का। लिखने का मार्जिन होने का फायदा ये होता है कि जब हमारे पास ज्यादा आइडियाज होंगे, ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगी, तो मैं 2,200 वर्ड्स का एस्से जो है वो 3 घंटे में आसानी से मैनेज कर लूंगी। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पिक करेंगे जिसमें लिखने का मार्जिन कम है, उससे मसला ये होगा कि आप वो जो आपकी एक एक फ्लो ऑफ आइडिया है थ्रू आउट दी एस्से, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और फिर वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए आप फिलर्स लगाएंगे। तो अगर मैं अपनी अभी डिस्कशन के अंदर फिलर्स लगाना शुरू करूं, गैर जरूरी बातें करूं, तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से जब आप अपने पेपर में गैर जरूरी बातें करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको आपके पास आइडियाज जो है, यू आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज, एंड दैट्स व्हाई यू आर इंक्लूडिंग इररिलेवेंट आइडियाज इनटू योर पेपर। अच्छा, इसी तरह से बाज़ुकात हम लोग जो चीज लिख रहे होते हैं ना वो आउटडेटेड हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आर बुक्स डोंट गेट अपडेटेड सो फ्रीक्वेंटली। वी एट टाइम्स गो थ्रू थिंग्स दैट आर यू नो नो मोर देयर। सो जब ऐसे मैंने दिया फॉरेन पॉलिसीज फॉलिंग विक्टिम टू पॉपुलिस्ट लीडर्स, तो उसके अंदर बच्चे जो थे वो ट्रम्प भी लिख रहे थे। सो ट्रम्प इज नो मोर देयर, ही इज नॉट द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एनी मोर। तो अगर आप मुझे पॉपुलिस्ट लीडर में ये बताएंगे कि ट्रम्प है, तो
देखिए अगेन इज फॉलिंग विक्टिम दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. सो ट्रंप इज नॉट देयर, मिसलिनी इज नॉट देयर, हिटलर इज नॉट देयर. तो अगर आप मुझे तारीफ में से निकाल के 5-6 मिसालें, बल्कि 5-6 से भी ज्यादा मिसालें, आपकी सारी की सारी तारीफ की मिसालें, जब आप आज में आके 2-3 मिसालें देके कंपनसेट करेंगे, तो फिर आपका ऐसे नहीं बनेगा. तो एक बुनियादी चीज जो आपको ऐसे शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए वो ये है कि इस आइडिया, इस टॉपिक के अंदर कितने आइडियाज लिखे जाते हैं, लिखे जा सकते हैं. और ये आपको तब पता चलता है जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन बनाते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि इसको लिखा जा सकता है. 15 से 20 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाती है. और अगर आप चेक करना चाहते हैं या आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप मॉक पेपर मेरा उठा लें. मैं मेरे फेसबुक पेज पे मॉक पेपर्स अपलोड होते हैं, आप वो उठा सकते हैं, उसको उठाएं और टॉपिक को डाइसेक्ट करें. यानी अपने पास 1 घंटा रखें, 1 घंटे में आपने एक स्टेटमेंट उठाई है, उसके ऊपर जितने रेलिवेंट आइडियाज हैं पहले वो निकालें, फिर उनको तरतीब लगाएं. हो सकता है तरतीब लग रही हो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल में, हो सकता है तरतीब लग रही हो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल में, हो सकता है कि पहले इकोनॉमिक आए फिर पॉलिटिकल फिर सोशल. जो भी उसकी तरतीब लग रही है उसके मुताबिक आप अपने आइडियाज को एडजस्ट करेंगे. और बाजू का तरतीब लग रही होगी उन सेक्शंस के मुताबिक जो कि आपको टॉपिक में असाइन किए गए, जैसे हायर एजुकेशन, इल्स एंड रेमेडीज. तो आपका मेन आइडिया हायर एजुकेशन. सो व्हाट इज हायर एजुकेशन? आप एजुकेशन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये हायर एजुकेशन शुरू कहाँ से होती है ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना. सो ये आपका वो BS प्रोग्राम है जो कि आप लोग इस सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ के आए, जो HEC के अंडर आता है. अच्छा, आपने वो BS प्रोग्राम पढ़ा, उसमें मसाइल क्या थे? उसमें लो इनरोलमेंट मसला नहीं है, उसमें मसला ये है कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो किस तरह से पढ़ाई जा रही हैं, वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको थोड़ा सा सिलेबस पढ़ा के रॉट लर्निंग की तरफ ले जाया जा रहा है. कोई क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल नहीं है जो कि मॉनिटर कर सके. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं उनके कैंपसेस जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि हमने लाहौर के अंदर भी देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस जो थे वो बंद हो गए, बच्चों ने इनरोल किया हुआ था वो फीसें दे रहे थे. इसी तरह से वहां पे जो फैकल्टी है वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उन्होंने फेक नाम लोगों के ऐड किए होते हैं. फिर प्रॉब्लम क्या है कि जी वर्कलोड का भी प्रॉब्लम है, टीचर्स हो सकता है कि ट्रेन ना हो सकता है कि फैकल्टी आपके पास उतनी ना हो. रिसर्च के मिसाइल हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्लेजरिज्म हो, चाहे वो आपके वो पब्लिकेशंस हैं जो कि आपकी जो कि प्लेजराइज्ड है. तो कई तरह की चीजें हैं जो कि HEC में फॉल करती हैं उसकी इल्स एंड रेमेडीज में. लेकिन आप जो उसके सेक्शंस बनाएंगे वो क्या है? हायर एजुकेशन एक सेक्शन है, इल्स एक है, रेमेडीज. इन तीनों सेक्शंस के ऊपर आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लगाएंगे, 5 सेक्शन बन जाएंगे. अब मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से ना स्टूडेंट्स के अंदर ये एक टेंडेंसी आई है, वो कहते हैं 7-7, 8-8 सेक्शंस बना लो. देखिए एक सेक्शन, आप सेक्शन 7-7, 8-8 बना सकते हैं. आप मुझे हायर एजुकेशन का एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बल्कि ओवरव्यू देंगे, इतना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक ओवरव्यू देंगे, वो हो सकता है. लेकिन अगर आप अननेसेसरली डिस्कशन को लंबा लेके जाएंगे, इल्स देंगे, फिर उन इल्स के मुझे इम्पैक्ट्स देंगे, फिर उन इम्पैक्ट्स में मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी क्या किया, फिर मुझे बताएंगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, Isn't it too much to share? और फिर इसमें फीलिंग ये आती है कि perhaps somehow, somewhere you are unable to organize your ideas. वही impacts जो आपने अलहदा दिए हैं उन्हें आप causes के साथ भी लिख सकते थे. अगर आपको फील होता है कि नहीं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहे, आप उनको रेमेडीज के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप बताएंगे कि इस मसले की वजह से ये इफेक्ट आता है. और क्योंकि ये इफेक्ट आता है, इसको एड्रेस करने के लिए हमें ये काम करने की जरूरत है. तो आपके आइडिया ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. अच्छा, एक टॉपिक था, व्हाई इज देयर नो टॉलरेंस इन पाकिस्तान फॉर विमेन कलेक्टिवली डिमांडिंग देयर राइट्स. अब ये विमेन्स राइट के ऊपर सवाल नहीं था, ये जेंडर इक्वालिटी पे सवाल नहीं था. पहली बात तो ये है, विमेन कलेक्टिवली डिमांडिंग देयर राइट्स, हम बात कर रहे हैं उन औरतों की या उन फेमिनिस्ट की जो के हो सकता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि औरतों को ये राइट्स दिए जाएं, खास तौर पे एक खास दिन पे जिसके ऊपर बहस चलती है पूरा साल. हम देखते हैं ट्विटर पे चले जाएं, आपको सारा साल बहस मिलेगी और वहां पे यही चल रहा होगा, कोई ना कोई डिस्कशन चल रही होगी, उसके ऊपर बहस चल रही होगी. क्यों? बिकॉज देयर आर विमेन हु आर, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है फॉर विमेन कलेक्टिवली डिमांडिंग देयर राइट्स, इसमें से आदमी माइनस हो गए, लेकिन ये फेमिनिस्ट की सेंस में चला जाता है.
अब आप देखें, ये जो लैक ऑफ टॉलरेंस है ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ नहीं है, ये है नो टॉलरेंस फॉर विमेन कलेक्टिवली डिमांडिंग देयर राइट्स। आप बता सकते हैं कि वो राइट्स कौन से डिमांड कर रही, लेकिन उन खवातीन की तरफ जो के एक्टिविस्ट हैं, जो के इस चीज को डिमांड कर रही हैं, हम इनटॉलरेंस क्यों शो करते हैं? और वो इनटॉलरेंस किस हद तक है, वो आप देखिए, वर्बल अब्यूज भी है, वो आपकी वर्बल अब्यूज है, वो सोशल मीडिया पे भी होती है, वो हेट स्पीच भी होती है, और हम देखते हैं कि वो एक हैरेसमेंट की सेंस इनबॉक्स के अंदर जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो काउंटर नैरेटिव्स चल रहे होते हैं, वो मुआशरे के अंदर पाई जाती है। क्योंकि और इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक वेस्टर्न एजेंडा है जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है और जिसकी कोई जगह नहीं है, तो हम उसको इनटॉलरेंट हो जाते हैं उसकी तरफ। अब आप देखें कि टॉपिक पढ़ के अच्छा लगता है, लेकिन जब लिखने लगेंगे उसका स्कोप कम है। तो ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे कि आपके एस्से में लिखने का, आपके एस्से में आर्ग्यूमेंट्स का स्कोप कितना है या कितना नहीं है, उतनी आसानी से आप अपने एस्से के पेपर को डाइसेक्ट कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से क्योंकि आप सीएसएस में भी देखते हैं जो टॉपिक्स है ना, उनको लिमिट किया जा रहा है। जैसे पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, द एस्से इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, द एस्से इज अबाउट पोलराइज पॉलिटिक्स। पोलराइज पॉलिटिक्स आपका की वर्ड है, उसके इश्यूज और चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जो फेस कर रही है। अब आप देखिए कि टॉपिक जो है थोड़ा सा लिमिट हो गया, और अगर मुझे पोलराइज पॉलिटिक्स नहीं आता तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं डेमोक्रेसी के ऐसे को ट्विस्ट करके समहाउ उसको मैं घुसा दूंगी, तुम जाके पोलराइज पॉलिटिक्स में फिट हो जाओ, तो वो सेंस नहीं बनाएगा। अच्छा जी, और आप देखेंगे जो सीएसएस के पेपर के अंदर हम एक ट्रेंड देखते हैं कि वो लिमिट किए जा रहे हैं टॉपिक्स, वो ट्रेंड आप मेरे मॉक पेपर्स में देख सकते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक दिया, सिंस डेमोक्रेसी मींस इक्वालिटी डिक्रीड थ्रू लॉ, पाकिस्तान मस्ट गारंटी ट्रू डेमोक्रेसी विद इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ। अब आप देखिए कि डेमोक्रेसी की बहुत सारी डायमेंशन हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इक्वालिटी, और उस इक्वालिटी को मेंटेन कौन सी चीज कर रही है, लॉ। और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अगर हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पे कानून के लिए सब लोग बराबर नहीं है, तो फिर आप कैसे डेमोक्रेसी को इंश्योर करेंगे, कैसे इक्वालिटी लेकर आएंगे? टॉपिक अच्छा है, लेकिन आपको इसमें फोकस करना है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी। तो टॉपिक को जो पढ़ना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। ऐसे नहीं करना कि जल्दी से आप कहेंगे अब टॉपिक सामने आया मैं जल्दी से लिखना शुरू कर दूं। एक ऑन एन एवरेज अ स्टूडेंट टेक्स 40 to 50 minutes बिफोर ही और शी स्टार्ट्स राइटिंग द एसे, और वो जो 40 to 50 minutes है उसके अंदर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग शामिल है, आपकी आउटलाइन रफ शामिल है जिसे आप नीट करते हैं। नीट करने के बाद मैं बात कर रही हूँ कि 40 to 50 minutes लगते हैं ऑन एन एवरेज जब आप अपना एसे शुरू करते हैं। वो बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रैक्टिस की होती है, दे डू इट इन लाइक 30 minutes, लेकिन वो टाइम आपको चाहिए। तो ये मत सोचें कि अब मैं कमरे में बैठी हूँ, मुझे ये एग्जाम में मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया, अब मैं फॉरन लिखना शुरू कर दूं। टेक योर टाइम, और जितनी एहतियात से आप पेपर पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो आप जरा थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। नंबर वन, व्हेन यू आर गोइंग टू अ पेपर एंड यू नो दैट 10 topics विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, देन डोंट थिंक दैट ऑल टॉपिक्स वुड बी सो फ्लेक्सिबल एंड सो क्या कहना चाहिए, सो फ्लेक्सिबल एंड सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट दे कैन बी अटेम्प्टेड। नो, फ्रॉम दोज 10 topics यू विल बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट 4 to 5 topics। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं और आप पहले ही ये सोचेंगे कि मुझे 4 topics में तैयार कर लूँ, तो फिर आप सोचेंगे पेपर में आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का मार्जिन कितना कम हो जाएगा। कम अज कम 10 topics अटेम्प्ट करें, ताकि अगर कोई टॉपिक बहुत नैरो डाउन होकर आ जाए, मैंने एजुकेशन तैयार किया, हायर एजुकेशन आ गया, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी। अच्छा, मैंने तैयार किया है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, लेकिन जो टॉपिक आ गया वो आ गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज ग्रे जोन, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी। तो वो जो आपने 10 topics तैयार किए होंगे, उनमें से 4-5 topics तो इसलिए आपके वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट ऐसी बनाई गई होगी कि आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। मैंने डेमोक्रेसी तैयार किया है, पोलराइज पॉलिटिक्स आ गया, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी। तो ये मत सोचें कि कोई 4 topics हो जो आप तैयार करें और उन 4 topics में से इतनी अच्छी स्टेटमेंट आ जाए कि आप अपने पेपर में उसको लिख सकेंगे।
दूसरी बात ये कि जब आपको कोई चीज़ नहीं आती और आप उसके बारे में बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और बहुत जल्दी पता चल जाता है कि सेंस नहीं बन रही। तो वो टॉपिक मत पिक करें जो कि आपको नहीं आता। ये कोशिश मत करें कि मैं पेपर में कुछ मुख्तलिफ करूँ, कुछ हटके, कुछ ऐसा ज़बरदस्त करूँ कि एग्जामिनर हैरान हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। बेशक वो टॉपिक अटेम्प्ट करें जो कि 18,000 लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन उसे सही तरीके से अटेम्प्ट करें। पेपर में तीसरी बात जो मैटर करती है वो ये है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है क्या आप उस टॉपिक को समझे हैं, क्योंकि अगर आप उसे समझ गए हैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक होगी। और उस समझने में टॉपिक की स्टेटमेंट देखें। वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज ग्रे जोन, दिस इज अ फ्रेज, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज ग्रे जोन है तो ना, फ्रेज से मुराद मैं इसको फ्रेगमेंट की सेंस में कह रही हूँ कि ये एक फ्रेगमेंट है। अब आप देखें कि ये फ्रेगमेंट कहाँ जा रहा है, इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी, नहीं निकल रही ना। इसी तरह से इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, वे फॉरवर्ड की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ। तो एक तो देखें कि स्टेटमेंट कैसे बनी। दूसरी बात ये कि अगर स्टेटमेंट के अंदर एक सेंटेंस है तो देखें कि सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है। क्लास रूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज प्रेजेंट इन डेफिनेट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस में उसने दिया है। लेकिन जब आपको कहा जाता है द स्टेज इज बीइंग सेट, इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये टेम्परेरी एक्शन है जो कि अभी हो रहा है। स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक मैंने दिया, कैन स्ट्रीट पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट सॉल्व आर प्रॉब्लम्स, अब उसमें लिखा हुआ आर प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आप आर प्रॉब्लम्स में आर को नहीं पढ़ेंगे और आप ये नहीं देखेंगे कि वो आर अस हैं, द टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज, और आप उसको एक्सपैंड करके पूरी दुनिया पे ले जाएंगे क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल्स पूरी नहीं होंगी पाकिस्तान से, तो आपने टॉपिक को सही तरीके से नहीं पढ़ा। और आखिरी बात, एसे के पेपर को अटेम्प्ट करने में सेक्शंस बहुत मैटर करते हैं। सेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बाहर से आएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्शन मैंने खुद से निकाल के लाना। कुछ चीजें हैं एसे के अंदर जो कि पहले से तय हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन है, आपका कंक्लूजन है, आप डिफाइन करते हैं टॉपिक को। डिफाइन करना भी हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ना क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, आप क्लासरूम को ना डिफाइन करें। लेकिन आपको आया पोलराइज्ड पॉलिटिक्स तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो वो जो डिफाइन करना कह लें, उसे एक्सप्लेन करना कह लें, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है या एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक है वो होती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या उसका एक ओवरव्यू हो उस टॉपिक का, ये भी जरूरी होता है। तो ये चार चीजें तो ऐसी हैं जो कि हर एसे में फिट होती हैं, लेकिन इन चार चीजों के अलावा जो सेक्शन आपने बनाना होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और वो डिसाइड करता है कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता, और क्या आप इस टॉपिक के ऊपर अपने ख्यालात को एक तरतीब से रखने में कामयाब भी हुए कि नहीं हुए। सो टॉपिक आया सी पैक, बूम और बेल। अब ये सवाल नहीं है कि आपने सी पैक के ऊपर आपने एक डायरेक्शन चूज कर ली कि अच्छा या बुरा, नहीं। टॉपिक के अंदर तीन लफ्ज हैं, सीपैक, बून, बेल। आपने पिक किया कि बून है। अब देखिए ये दो चीजें तो आपकी आपकी मेन फोकस आ गया। व्हाट अबाउट बेल, दैट काउंटर आर्ग्यूमेंट, दैट एंटीथीसिस, दोज पीपल हु थिंक दैट इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, आपको उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो सेक्शंस जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आएगी, वो टॉपिक के अंदर से आती है। तो टॉपिक के अंदर जो अल्फाज लिखे गए हैं उन्हें जरूर एड्रेस करें ताकि आपका जो टॉपिक है उसको, वो जिसे कहते हैं ना आंसर नहीं मिला, तो रिप्लाई और आंसर में क्या फर्क है, मैंने जवाब दे दिया। आप पूरी वीडियो सुन के कहें कि मिस कुछ समझ नहीं आया, तो आई वॉज अनएबल टू एड्रेस द टॉपिक। तो जब आपको टॉपिक दिया गया है सी पैक, बून और बेन, और आप उसमें एक साइड लेके उसी साइड के ऊपर पूरा ऐसे लिख देते हैं, तो आपने एक लफ्ज जो था वो मिस कर दिया, वो अनएड्रेस्ड रह गया। द टॉपिक रिमेन्स अनएड्रेस्ड, अनआंसर्ड। तो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसमें से सेक्शंस निकालें, और वो सेक्शंस जो हैं उनके अंदर आप तरतीब लगाएंगे। तरतीब दो तरह से लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट भी लगती है, और दूसरी होती है सोशल, इकोनॉमिक और पोलिटिकल। अपने मौजू के मुताबिक आप एडजस्ट करते हैं। अगर एजुकेशन आए तो आप सोशल पे चले जाते हैं, अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी आए तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक पे चले जाते हैं, अगर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स आए तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर चले जाते हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा
एक अंदाजा हुआ होगा कि एसे को कैसे अटेम्प्ट करना है। और एसे को बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये एक राइटिंग का सवाल है। और मुश्किल ये इसलिए लगता है क्योंकि जिस चीज के ऊपर लिखना है वो मसाइल हैं जो कि हमारे माशरे में आज पाए जाते हैं, और जब हम उनके ऊपर लिखते हैं तो क्योंकि हमने उनके ऊपर हो सकता है बात की हो लेकिन कभी लिखा नहीं होता, तो ना लिखने की वजह से भी एक बहुत बड़ा गैप पैदा होता है। सो ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके पास 1 महीना है, इस 1 महीने के अंदर आप कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक ऐसे अटेम्प्ट करें, और बाकी जो आपके पास हफ्ते के दिन है उसके अंदर कोई से एक या दो टॉपिक्स जो हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आउटलाइन बनाएं, 1 घंटे के अंदर उसको डाइसेक्ट करें। बिलीव यू मी, एट द एंड ऑफ दिस 1 मंथ यू विल रियलाइज दैट यू आर इन अ पोजिशन टू डू योर बेस्ट, नॉट ओनली इन योर एसे पेपर बट ऑल दी अदर 11 पेपर्स, क्योंकि इंग्लिश ही आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। हर पेपर के अंदर जब ये ठीक होता है, आपको सवाल अटेम्प्ट करना आता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बाकी टॉपिक्स के अंदर, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप दिस सेशन हैज बीन समहाउ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो। आई ट्राई टू अकोमोडेट एज मेनी स्टूडेंट्स एज आई कैन, और ये लाइव टॉक करने का मकसद भी यही था कि बजाय इसके के क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता कि बंदा एक एक स्टूडेंट को उस तरह से समझा सके हर चीज, तो फिर बेहतर ये है कि एक लाइव सेशन के अंदर सबको अकोमोडेट कर दिया जाए। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।